सो गाइस, जैसा कि फाइनली खत्म हो चुका है रेसलमेनिया 39 का नाइट वन एंड नाइट टू, और अब बारी है मंडे नाइट रॉ की, जहां पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है, WWE बिकते हुए दिखने वाली है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस का इस पर रिएक्शन आ चुका है। इसके अलावा कई सारी न्यू चीजें में स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। सो सबसे पहले गाइस, WWE के बिकने के बारे में ही कर लेते बात, एंड उस पर क्या कुछ रहा रोमन रेंस का रिएक्शन। देन आप सबको बता दूं, कल एक काफी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई कि UFC की जो पेरेंट कंपनी है एंडेवर, वो खरीदने वाली है WWE को, एंड ये डील ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। और इसके बाद ये अपडेट निकल कर आई कि हमें WWE एंड UFC मर्ज होते हुए दिख सकती है। और जो UFC के सुपरस्टार है यानी कि कॉनर मैकग्रेगर, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो डाली जहां पर वो एक तरफ होल्ड किए हुए UFC की वर्ल्ड चैंपियनशिप और दूसरी तरफ WWE की वर्ल्ड टाइटल। और इस पर रिएक्ट करते वाइज मैन यानी कि पॉल हेमन, वो बोलते कॉनर मैकग्रेगर रोमन रेंस वन अभी बनना चाहता है, यानी कि वो भी चाहते रोमन रेंस की तरह उनके पास दो टाइटल आ जाए। और कॉनर मैकग्रेगर इसका रिप्लाई करते हुए कहते केयरफुल ग्रैंडपा, मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हारे जॉ को 3 places में ब्रेक कर दूंगा। और इतना ही नहीं गाइस, हमें रेसलमेनिया के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला था जहां पर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन दोनों ही देखने को मिले। और जब रोमन रेंस से इसके बारे में पूछा जाता है कि उनका क्या कुछ कहना है, देन उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज ये काफी ज्यादा बिजी डे था, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे फेवरेट यानी कि कोडी रोड्स को हराने में बिजी था, बट जो भी हो, मैं जहां भी जाऊंगा वहां के लिए लक्की होने वाला हूं। यानी कि वो लोग चाहेंगे कि रोमन रेंस मेरे शो में रहेंगे। और गाइस, आप सबको बता दूं, अब ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि विंस मैकमैन ने ऑलमोस्ट डील कर लिया है डन, एंड ये अनाउंसमेंट आप सबको कल मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकती है। WWE अब बिक चुकी है UFC की पेरेंट कंपनी से, अब क्या UFC एंड WWE मर्ज होती है, और अगर होगी तो क्या भाई स्क्रिप्टेड और रियल फाइट मिक्स हो जाएगी, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ भाई, ये काफी बड़ी अपडेट है। वैसे क्या आप चाहते हैं UFC एंड WWE मर्ज हो जाए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब बात कर ली जाए एज एंड फिन बैलर के बारे में, तो आप सब जानते हो डेमन बैलर वर्सेस एज का हमें एक काफी कमाल का मैच देखने को मिला रेसलमेनिया 39 में। बट गाइस, आप सबको पता ही है मैच के दौरान फिन बैलर बस्टेड ओपन हो गए थे, लेकिन उन्होंने स्टिल मैच को कंटिन्यू किया। तो गाइस, आप सबको बता दूं, मैच के दौरान एज ने वेपन्स वगैरह ढूंढने में सभी का ध्यान अपने तरफ लिया। उसके बाद वहां जो मेडिकल टीम आई हुई थी, उसने टेम्पररी स्टेचेस कर दिए फिन बैलर के, और फिन बैलर ने अपनी स्टेचेस की इमेज भी अपलोड की है, जो कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो। सो फिन बैलर तो शायद ही आने वाले इस वीक के मंडे नाइट रॉ में, बट एज में भी हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। और उनकी फ्यूड तो खत्म हो चुकी है जजमेंट डे के साथ। लेट्स सी अब उनके लिए कौन होता है नेक्स्ट, क्या पता वो US चैंपियनशिप के लिए जाए, बिकॉज लास्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था US चैंपियनशिप के लिए, तब वो सही से एंड नहीं हुआ। इसके बाद अपने न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के बारे में बात कर ली जाए, तो आप सबको पता ही है रोमन रेंस ने तो अपनी टाइटल बचा ली रेसलमेनिया में, बट उसोस नहीं बचा पाए। और इस वीक के रॉ में हमें सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस सेलिब्रेट करते हुए दिख सकते हैं अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री को, बट हो सकता है वहां पर हमें उसोस देखने को मिले, जो कि आकर अपनी रीमैच की करे डिमांड। वैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भी मैच का जो शोकेस वाला मैच हुआ था उसे जीता था, तो क्या पता हमें ट्रिपल थ्रेट टाइप का भी कोई सीन बनते हुए दिख जाए। बट हाँ, जो भी हो, अब टैग टीम डिवीजन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। वहीं आप सबको पता ही है रेसलमेनिया में रे मिस्टीरियो ने हरा दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को, और ये बात साफ है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अभी शांत तो नहीं बैठने वाले, वो अपना जरूर से बदला लेना चाहेंगे रे मिस्टीरियो से एंड बैड बनी से। और आप सबको पता ही है WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है बैकलैश, जिसे होस्ट कर रहे हैं बैड बनी। देन क्या पता हमें कोई टैग टीम वाला मैच देखने को मिल जाए जहां पर रे मिस्टीरियो टीम अप करे बैड बनी के साथ एंड वो फेस करे डोमिनिक एंड डैमियन प्रिस्ट को। बट हाँ, रे वर्सेस डोमिनिक का पार्ट 2 जरूर से होगा, इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर ने तो ओमास को रेसलमेनिया 39 में हरा दिया, मे भी हो सकता अभी वो हमें फिर से WWE से लेते हुए दिखे ब्रेक एंड सऊदी अरेबिया के इवेंट के टाइम हो उनका रिटर्न यानी कि बैकलैश के बाद। बट हाँ, बैकलैश भी एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, तो क्या ही पता ब्रॉक लेसनर हमें उसका पार्ट बनते हुए दिख जाए। सो अगर इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर आते हैं, देन हो सकता है हमें बैकलैश का वो पार्ट बनते हुए दिखे, नहीं तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आप सबको डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के इवेंट में देखने को ही मिलेंगे। और फाइनली बात कर ली जाए अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, देन रोमन रेंस इस वीक के रॉ में आएंगे ऐसा WWE ने एडवर्टाइज तो अभी तक नहीं किया, बट कई सारे रिपोर्ट्स निकल कर आई है, एक एक कर आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको पता ही है ऐसी अपडेट्स आई थी कि रेसलमेनिया में या फिर उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ में हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में तो नहीं आए, तो चांसेस है उनका रिटर्न रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में हो सकता है। और अगर
अगर वो रिटर्न करे देन वो जरूर से अपना बदला लेना चाहेंगे रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन से, बिकॉज ब्लड लाइन ने ही उन्हें किया है इंजर्ड। और गाइस आप सबको बता दूं, रेसलमेनिया के पहले रोमन रेंस ने कई सारे इंटरव्यूज दिए थे जहां पर उन्होंने सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात की, जिससे सेथ रॉलिंस खुश नहीं है। और जब WWE ऑन BT स्पोर्ट्स ने उन सुपरस्टार्स की लिस्ट निकाली जिन जिन के अगेंस्ट रोमन रेंस ने अपनी टाइटल डिफेंड की है, वहां पर आप सब देख सकते हो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रोमन रेंस हारे सेथ रॉलिंस से डिस्क्वालिफिकेशन से। सो इसी पर सेथ रॉलिंस रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि नेवर फॉरगेट हु द रियल वन। सो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की भी फ्यूड टीज हो रही है और बैकलैश एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। और आप सबको पता है ये काफी पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि हमें सेथ वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है बैकलैश के पेपरव्यू में। सो अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हो सकता है इस वीक के रॉ में हमें सेथ रॉलिंस अटैक करते हुए दिख जाए रोमन रेंस पर, या फिर क्या पता सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एक साथ मिलकर अटैक करते हुए दिख जाए रोमन रेंस पर, क्योंकि आप सबको पता है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एक फेस है और रोमन रेंस एक हील। और जिस तरह से रेसलमेनिया में एंडिंग हुई देखकर लग तो रहा है कि रोमन एंड कोडी की फ्यूड भी अभी एंड नहीं हुई है। तो अगर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होता है या फिर फ्यूड होती है देन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप बैकलैश पेपरव्यू में रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच किसके साथ देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले खत्म हो चुका है 39 का नाइट 1 एंड नाइट 2। और अब बारी है मंडे नाइट रॉ की, जहां पर हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली है, WWE बिकते हुए दिखने वाली है। यस आपने बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस का इस पर रिएक्शन आ चुका है। इसके अलावा कई सारी न्यू चीजें हमें स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में। और आज के इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि अब बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले गाइस WWE के बिकने के बारे में ही कर लेते बात एंड उस पर क्या कुछ रहा रोमन रेंस का रिएक्शन। देन आप सबको बता दूं कल एक काफी बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई कि UFC की जो पेरेंट कंपनी है एंडेवर वो खरीदने वाली है WWE को, एंड ये डील ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। और इसके बाद ये अपडेट निकल कर आई कि हमें WWE एंड UFC मर्ज होते हुए दिख सकती है। और जो UFC के सुपरस्टार है यानी कि कॉनर मैकग्रेगर, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो डाली जहां पर वो एक तरफ होल्ड किए हुए UFC की वर्ल्ड चैंपियनशिप और दूसरी तरफ WWE की वर्ल्ड टाइटल। और इस पर रिएक्ट करते हैं वाइज मैन यानी कि पॉल हेमन, वो बोलते हैं कॉनर मैकग्रेगर रोमन रेंस वन अभी बनना चाहता है, यानी कि वो भी चाहते रोमन रेंस की तरह उनके पास दो टाइटल आ जाए। और कॉनर मैकग्रेगर इसका रिप्लाई करते हुए कहते हैं केयरफुल ग्रैंडपा, मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हारे जॉ को 3 प्लेसेस में ब्रेक कर दूंगा। और इतना ही नहीं गाइस, हमें रेसलमेनिया के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला था जहां पर रोमन रेंस एंड पॉल हेमन दोनों ही देखने को मिले। और जब रोमन रेंस से इसके बारे में पूछा जाता है कि उनका क्या कुछ कहना है देन उन्होंने कहा कि मेरे लिए आज ये काफी ज्यादा बिजी डे था, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे फेवरेट यानी कि कोडी रोड्स को हराने में बिजी था, बट हां जो भी हो मैं जहां भी जाऊंगा वहां के लिए लक्की होने वाला हूं, यानी कि वो लोग चाहेंगे कि रोमन रेंस मेरे शो में रहेंगे। और गाइस आप सबको बता दूं अब ऐसी अपडेट्स निकल कर आ रही है कि विंस मैकमैन ने ऑलमोस्ट डील कर लिया है डन, एंड ये अनाउंसमेंट आप सबको कल मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल सकती है। WWE अब बिक चुकी है UFC की पेरेंट कंपनी से, अब क्या UFC एंड WWE मर्ज होती है, और अगर होगी तो क्या भाई स्क्रिप्टेड और रियल फाइट मिक्स हो जाएगी, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन हाँ भाई ये काफी बड़ी अपडेट है। वैसे क्या आप चाहते हैं UFC एंड WWE मर्ज हो जाए, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब बात कर ली जाए एज एंड फिन बैलर के बारे में, तो आप सब जानते हो डीमन बैलर वर्सेस एज का हमें एक काफी कमाल का मैच देखने को मिला रेसलमेनिया 39 में। बट गाइस आप सबको पता है ये मैच के दौरान फिन बैलर बस्टेड ओपन हो गए थे लेकिन उन्होंने स्टिल मैच को कंटिन्यू किया। तो गाइस आप सबको बता दूं मैच के दौरान एज ने वेपन्स वगैरह ढूंढने में सभी का ध्यान अपनी तरफ लिया, उसके बाद वहां जो मेडिकल टीम आई हुई थी उसने टेम्पररी स्टेचेस कर दिए फिन बैलर के, और फिन बैलर ने अपनी स्टेचेस की इमेज भी अपलोड की है जो कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हो। सो फिन बैलर तो शायद ही आने वाले इस वीक के मंडे नाइट रॉ में, बट एज में भी हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। और उनकी फ्यूड तो खत्म हो चुकी है जजमेंट डे के साथ, लेट्स सी अब उनके लिए कौन होता है नेक्स्ट, क्या पता वो US चैंपियनशिप के लिए जाए, बिकॉज लास्ट टाइम जब इनका मैच हुआ था US चैंपियनशिप के लिए तब वो सही से एंड नहीं हुआ। इसके बाद अपने न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस के बारे में बात कर ली जाए, तो आप सबको पता ही है रोमन रेंस ने तो अपनी टाइटल बचा ली रेसलमेनिया में बट उसोस नहीं बचा पाए। और इस वीक के रॉ में हमें सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस सेलिब्रेट करते हुए दिख सकते हैं अपनी चैंपियनशिप विक्ट्री को, बट हो सकता है वहां पर हमें उसोस देखने को मिले जो कि आकर अपनी रीमैच की करे डिमांड।
वैसे स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने भी मैच का जो शोकेस वाला मैच हुआ था उसे जीता था, तो क्या पता हमें ट्रिपल थ्रेट टाइप का भी कोई सीन बनते हुए दिख जाए। बट हाँ, जो भी हो, अब टैग टीम डिवीजन काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। वही आप सबको पता ही है, रेसलमेनिया में रे मिस्टीरियो ने हरा दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को, और ये बात साफ है कि डोमिनिक मिस्टीरियो अभी शांत तो नहीं बैठने वाले। वो अपना जरूर से बदला लेना चाहेंगे रे मिस्टीरियो से एंड बैड बनी से। और आप सबको पता ही है WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है बैकलैश, जिसे होस्ट कर रहे हैं बैड बनी। देन क्या पता हमें कोई टैग टीम वाला मैच देखने को मिल जाए जहां पर रे मिस्टीरियो टीम अप करे बैड बनी के साथ एंड वो फेस करे डोमिनिक एंड डैमियन प्रिस्ट को। बट रे वर्सेस डोमिनिक का पार्ट 2 जरूर से होगा, इसके चांसेस अच्छे खासे हैं। वहीं ब्रॉक लेसनर ने तो ओमास को रेसलमेनिया 39 में हरा दिया। मे बी हो सकता अभी वो हमें फिर से WWE से लेते हुए दिखे ब्रेक एंड सऊदी अरेबिया के इवेंट के टाइम हो उनका रिटर्न, यानी कि बैकलैश के बाद। बट हाँ, बैकलैश भी एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है, तो क्या ही पता ब्रॉक लेसनर हमें उसका पार्ट बनते हुए दिख जाए। सो अगर इस वीक के रॉ में ब्रॉक लेसनर आते हैं देन हो सकता है हमें बैकलैश का वो पार्ट बनते हुए दिखे, नहीं तो हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो आप सबको डायरेक्टली सऊदी अरेबिया के इवेंट में देखने को ही मिलेंगे। और फाइनली बात कर ली जाए अपने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में, देन रोमन रेंस इस वीक के रॉ में आएंगे ऐसा WWE ने एडवर्टाइज तो अभी तक नहीं किया। बट हाँ, कई सारे रिपोर्ट्स निकल कर आई है, एक एक कर आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको पता ही है ऐसी अपडेट्स आई थी कि रेसलमेनिया में या फिर उसके बाद होने वाली मंडे नाइट रॉ में हमें रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया में तो नहीं आए, तो चांसेस है उनका रिटर्न रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में हो सकता है। और अगर वो रिटर्न करे देन वो जरूर से अपना बदला लेना चाहेंगे रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन से, बिकॉज ब्लड लाइन ने ही उन्हें किया है इंजर्ड। और गाइस आप सबको बता दूं, रेसलमेनिया के पहले रोमन रेंस ने कई सारे इंटरव्यूज दिए थे जहां पर उन्होंने सेथ रॉलिंस के बारे में भी बात की, जिससे सेथ रॉलिंस खुश नहीं है। और जब WWE ऑन BT स्पोर्ट्स ने उन सुपरस्टार्स की लिस्ट निकाली जिन जिन के अगेंस्ट रोमन रेंस ने अपनी टाइटल डिफेंड किए, वहां पर आप सब देख सकते हो रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि रोमन रेंस हारे सेथ रॉलिंस से डिस्क्वालिफिकेशन से। सो इसी पर सेथ रॉलिंस रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि नेवर फॉरगेट हु द रियल वन। सो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की भी फ्यूड टीज हो रही है और बैकलैश एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। और आप सबको पता है काफी पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि हमें सेथ वर्सेस कोडी वर्सेस रोमन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकता है बैकलैश के पेपर व्यू में। सो अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो हो सकता है इस वीक के रॉ में हमें सेथ रॉलिंस अटैक करते हुए दिख जाए रोमन रेंस पर, या फिर क्या पता सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एक साथ मिलकर अटैक करते हुए दिख जाए रोमन रेंस पर। क्योंकि आप सबको पता है सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स एक फेस है और रोमन रेंस एक हील, और जिस तरह से रेसलमेनिया में एंडिंग हुई देखकर लग तो रहा है कि रोमन एंड कोडी की फ्यूड भी अभी एंड नहीं हुई है। तो अगर ये ट्रिपल थ्रेट मैच होता है या फिर फ्यूड होती है देन ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के रॉ में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना, आप बैकलैश पेपर व्यू में रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच किसके साथ देखना चाहते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।